तो जैसा कि आपने देखा था पार्ट वन पार्ट टू में हम न्यू टिनसुकिया यहाँ से बैंगलोर की तरफ जा रहे थे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। पहले नाच के दिखाओ, अगर किन्नर हो तो पैसा मिलेगा, अगर किन्नर हो तो नाच के दिखाओ, पहले नाच के दिखाओ। और ट्रेन के अंदर आ जाते हैं नकली किन्नर, मतलब कॉलोनी की जो लड़कियां होती हैं वही किन्नर बन के आ जाती हैं और गंदी गंदी गाली बकती हैं। और ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ होती कि ट्रेन की कोच के अलावा लोग बाग जो होते हैं वो टॉयलेट बाथरूम में घुस जाते हैं, और इतनी भीड़ होने के कारण ट्रेन में कुछ लोगों की गर्मी की वजह से तबीयत भी खराब हो जाती है और आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को हाथापाई तक करने लगते हैं। उसी के अलावा जब पता चलता है कि भाई इन्होंने, और तभी पता चलता है कि गर्मी से इनकी तबीयत खराब नहीं थी, इन्होंने सब लोगों ने दारू पी रखी थी ट्रेन के अंदर, ओवरलोड दारू हो जाती है उसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। कोई टूटने के लिए बोल दूंगा मैं, तो इसको बहुत है 10 रुपए, भिंजरा को 10 रुपए देने के लिए औकात नहीं है तुम्हारा। भाई इस तरीके से करा जाता है ट्रेन में झोली वाला सफर। वीडियो में दिखाए गए सभी पार्ट आपके मनोरंजन के लिए है और किसी जाति और धर्म से सबसे अलग है। किस तरीके से वेटिंग वाले सफर करते हैं एक ट्रेन के अंदर, बिल्कुल बीचों बीच बैठे पड़े हैं जिसका कोई बुरा हाल नहीं है, और इस तरफ लड़ाई झगड़ा है। इधर उधर कौन दोनों पकड़ो, सॉरी बोलो, पकड़ के बोल दे भाई, कौन पकड़ो दोनों, मेरा नाम भी क्यों मत, ठीक है बात करते हैं, ठीक है भाई लड़ाई मत करो भाई। ये आ गए एक और मांगने के लिए, ट्रेन में अंधाधुंध हो रहा भाई ये काम, अंधाधुंध कार्रवाई हो रही है, अंधाधुंध। ये देखो हेलो, अभी आइए, अभी अभी जस्ट तीन लोग लेके गए, अभी तीन आए के। क्या बोल रही हो, बिया बोलो, बिया कुछ भी बोलो, दो में लेके गए तो क्या तुमने लोग गए, हम इसको दे दे, इसको अच्छा वाला, इसका है हमारा नहीं है। हे भाई साहब, ये देखो पहले नाच के दिखाओ, अगर किन्नर हो तो पैसा मिलेगा, अगर किन्नर हो तो नाच के दिखाओ, पहले नाच के दिखाओ, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, पहले नाच देख भाई, भाई किन्नर है तो नाच के दिखाओ आप, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जब ही देंगे सारे नाच, एक बार नाच के दिखा दो, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, फोन कर लो ये देखो भाई, अब होगी कलाकारी, आप देखो आप तेरा भला हो, ये देखो भाई पैसे नहीं है, पैसे हो गए खत्म, वीडियो वगैरह मत बनाओ, ओए ओए वीडियो बन गई भाई, भागी दे फोन छोड़ो, आज तेरा भला हो, अम्मा ताने ट्रेन के अंदर गरीबों को लूटने आ रही है बार बार, जब से देखो भाई आ रही हैं, इतना पैसा थोड़ी है लोगों के पास, ये लोग बेचारे पैसे कमाने जा रहे हैं और इनको यहाँ पर लूट के ले जा रहे हैं, कभी साला किन्नर आ रहा है, कभी कोई टीटी नकली बन के आ रहा है, कभी कोई पुलिस वाला आ रहा है, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। Yeah.
भाई इस तरीके से करा जाता है ट्रेन में झोली वाला सफर, जिसमें स्लीपर के अंदर उन्होंने एक चद्दर बांध दी दोनों तरफ और ये झोली बना ली और इस पर इस तरीके से पूरी रात सो जाते हैं और ऐसे हिलते रहते हैं, ट्रेन चलती हिलते रहते हैं भाई। ये देखो इस तरीके से लोगों ने ट्रेन के अंदर 50-50 घंटे बिताए हैं रियल में। आप यकीन नहीं करोगे, इसी झोली पे खाना पीना इसी झोली पर, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम नहीं करना, बाकी खाना पीना सब कुछ इसी झोली पर खाते हैं और यहीं से बाहर फेंक देते हैं। आराम से बैठे हुए हैं इधर भाई, बैठे हुए हैं सब लोग उधर, इतनी भीड़ हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। ट्रेन की झोली में सफ़र करते हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो गांठ मारते हो ना दोनों तरफ वो पक्की मारना, और जो चद्दर या फिर कोई तौली आप लेते हो तो वो मजबूत हो, ये ना हो कि आप बैठ गए और वो नीचे से ही फट गई, जैसे ही वो फट जाएगी आप भाई बहुत तेज नीचे गिर जाओगे, तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना। झोली जितने में आसान लगती है ना उससे ज़्यादा वो खतरनाक होती है। सही कह रहा हूँ भाई, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना, पूरी रिस्क है ना जान का। ये देखो नीचे भीड़ भाड़ है, ओवरलोड, और झोली के नीचे से बंदे निकल जाते हैं। ये देखो आराम से निकल गए, और इधर देखो कितना बुरा हाल है, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये देखो ये भाई नीट उन चुकिया से आ रहे हैं, सबसे पहले चढ़े थे तो इन्होंने ट्रेन खाली देखी थी ना, खाली थी ना, और अब कितनी भीड़ हो रही है ना, क्या भीड़ हो रही भाई। और मैंने जंग बाथरूम खराब है, पूरा कचरा है, पूरा कचरा है बाथरूम के अंदर, पूरा बाथरूम के अंदर ही कचरा है। ऐसा बाथरूम तो जनरल में भी नहीं था, जो रिवीजन में है। सही बात है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण अब बंदा तो टॉयलेट बाथरूम जाएगा जाएगा, इसी वजह से वहां पर ओवरलोड लोग पहुंच गए, किसी ने पानी डाला किसी ने नहीं डाला और गंदा हो गया भाई वहां पे। मैंने जिंदगी में स्लीपर क्लास तो बहुत देखे होंगे पर ऐसा स्लीपर क्लास नहीं देखा होगा, इसमें एक बंदे की टिकट है और चार बंदे बैठे पड़े हैं, किस तरीके से लगे पड़े हैं लोग वहाँ। अब बेचने वाले देखो भाई कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, ओवरलोड भीड़ है गाड़ी में। ये हाल है स्लीपर का, और जर्नल तो बहुत बेहाल है ना, जर्नल में तो बहुत बुरा हाल है। एक मिनट रुको, एक मिनट। विशाखापट्टनम आ गया, विशाखापट्टनम वेलकम टू वैजाग। भाई फिलहाल आ गए आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर, इसका स्टेशन कोड है VSKP। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक हैं भाई 10। आपको मैं बता दूँ, अगर आप विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश में कहीं भी जाते हो तो यहाँ का बनाना यानी केला आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये जो चाय देख रहे हो ना, ये मैंने पैंथरी में जा करके खुद बनवाई है, 20 रुपये की चाय, स्पेशल चाय, मतलब पैंथरी में भी आपको स्पेशल चाय बना सकते हैं। और उसके अलावा हमारी जो ट्रेन है वो भुवनेश्वर कटक खुर्दा रोड से आ रही थी, इस तरफ हम जा रहे थे, अब यहाँ से लोकोमोटिव चेंज होगा, हम जाएंगे विजयवाड़ा पेरम्बूर चेन्नई की ओर, जो कि इस तरफ, यानी लोकोमोटिव यहाँ की तरफ लेके जा रहा था, अब हम जाएंगे रिवर्स की तरफ। और ये देखो पानी के लिए कितना युद्ध हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं मुझे भरना है, मुझे भरना है, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से देखो सारे के सारे पानी भर रहे हैं देखो, जबकि पानी भी धीरे धीरे आ रहा है, कितना धीरे धीरे पानी आ रहा है। चलो 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 चलो, वहाँ सिग्नल मिल गया, और ये देखो कितना बुरा हाल हो गया, देख रहे हो ये हाल है ट्रेन का, और लैटरिन बाथरूम तक बंदे घुसे पड़े हैं, बहुत तेरी है देखो, ये देखो क्या हाल है भाई, देखो देखो किस तरीके से लोग जा रहे हैं यार, कैसे सफर हो रहा है। तो फिलहाल निकल गए आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से, और सवारी हल्की हो या भारी बहुत ही ज़्यादा
तगड़ी सवारी सामने खड़ी है, भुवनेश्वर तिरुपति एक्सप्रेस। अब वो देखो वहां पर भी लोकोमोटिव लग रहा है उस ट्रेन में, क्योंकि वो ट्रेन जो है विजयवाड़ा की तरफ से जाएगी, इसलिए उसमें लोकोमोटिव यहाँ की तरफ भी लगाया जा रहा है। दोपहर में 2:50 का टाइम था और कहाँ 7 बज गए और हम विजयवाड़ा और हम विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से अब निकल रहे हैं। भाई सोचने वाली बात है, क्या टाइम था और क्या टाइम पर हम आए। लेट हो गए ना गाड़ी, बहुत लेट हो गई भाई गाड़ी। भाई ये हाल है अभी भाई ट्रेन का, पूरी फुल की फुल हो रखी है और इस तरीके से सफर कर रहा था भाई। वेटिंग वाले कम से कम 500 लोग और कंफर्म वाले कम से कम 80 लोग, 80 कह रहा हूँ 81 लोग। बता भाई भाई कितना बुरा हाल है यार। चलो 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 हैं, चला चला निकलो। ये देखो ट्रेन के अंदर का हालत, देखो कितना बुरा है, भयंकर है। वहाँ बंदा खाना बेच रहा है, आने जाने का रास्ता जो है किस तरीके से भरा हुआ है। ये मत खा, इसमें वो है कैंसर, इसको मत खा। हाँ इसे मत खा, ये हाल है। ये देखो भाई ना ना, ये देखो भाई पता नहीं क्या हो गया, देखो बैग के ऊपर बंदा बैठ रहा है, उधर झोली बना रखी है भाई ने ताकि आराम से अपना सफर कर सके। और भीड़ देखो, पानी पिला दिया खाना खबर जो चावल बात क्या है, हिंदी हिंदी क्या बात ऐसा हुआ। हाँ हम बोला जे ये इसका चीट अलग है, इसका चीट अलग है, ठीक है चीट इसमें है तीन। हाँ, हाँ, तो बाल बच्चा है। हाँ, तो मान लिया खाना खाया, ये लोग अंदर घुस के बैठा है तो एक तो जगह छोड़ देगा जो जानला से पानी नहीं छोड़ रहा, नहीं खोल रहा। क्यों पूछो, देखो सुबह से ऐसा कर, पूछो देखो 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 हुआ तक आदमी बैठा है, ये लोग का चीट है ना। क्या हो गया दानी भाई, क्या लफड़ा हो रहा है यार। ये देखो भाई, दारू पिए क्या तूने दारू भाई साहब, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस ट्रेन के अंदर। ये देखो अरे देखो यार चोट लग जाएगा दानी भाई, क्या क्या हो रहा है यार। देखो भाई आराम से, आराम से भाई आराम से देख के ना, आराम से ओ तेरा ओ भाई, ये देखो आराम से ना, ये देखो सनी क्या हो गया भाई बंदे को, ज्यादा गर्मी के चक्कर में हो गया इसको। अरे यार ये दारू पी रहा है बैठ के, यार ये देखियो भाई ये जो ट्रेन है ये सबसे खतरनाक ट्रेन है सच बता रहा हूँ, रेल वाली इसके हालत देखो ज्यादा गंभीर है। और उसके बाद ये देखो पता नहीं क्या कर रहा भाई, कहाँ बैठ गया क्या क्या बात हो गई। ये देखो भाई क्या हो रहा है, बंदा दारू पी रहा है ऊपर और लोग सोच रहे मिर्गी आ गई। चढ़ाई से ऊपर चढ़ा पड़ा भाई, चढ़ा ऊपर चढ़ा चढ़ा से मसाले लग गए लेकिन सुबह नहीं भाई, क्या क्या हो रहा है। ये देखो भाई इस बंदे को हमें लग रहा था कि मिर्गी आ गई, दरअसल में क्या है दारू पी के और नशा इसको ओवरलोड हो गया जिसकी वजह से पूरी ट्रेन भाई परेशान हो गई और कोई इसके हाथ पैर दबा रहा, कोई इसको सिंगारा जुराब। पर दरअसल में जब देखा इसके पीछे तो दारू की बोतल रखी हुई थी, दारू पी के आराम से सेट होकर बैठा हुआ है, देख रहे हो ये बंदे की हालत है।
अरे जाओ ना यार, जाओ यार, जाओ यार, हम लोग सब जाओ इधर ना, तो पकड़ा है ना, मैं इतना बार बोला ना भाई तू हट जा। अच्छा भाई चेन्नई परम्बूर आ गया और मैं आराम से 800 और काफी सारी नीचे उतरी है परम्बूर में, बट मेरी आंख ही नहीं खुली भाई। सुबह के 7 बजे आया जबकि आना रात के 3 बजे। क्या हो रहा है इमरजेंसी विंडो से, क्या हो गया? ऊपर करो, ऊपर पहले, ऊपर चोट लग जाएगी। और ये तिरुपति जाने वाली ट्रेन लोकल, जो चेन्नई से तिरुपति जाती लोकल ट्रेन सुबह सुबह, ये वो है। ये देखो भाई, और भाई ट्रेन अपनी चढ़ेगी और इनका देखो के आर पुरम पे सवारी उतरना शुरू हो गई। तो फिलहाल आ गए हम के आर पुरम रेलवे स्टेशन पर और मैं आपको बता दूं इसके बाद पड़ेगा SMBT बैंगलोर। सबसे ज़्यादा सवारी जो है इस ट्रेन की इस रेलवे स्टेशन पर ही उतरेगी। इसको इसका स्टेशन कोड है KJM और प्यार से इसको बोलते हैं के आर पुरम, क्योंकि यहाँ से उतरते के साथ ही जस्ट बगल में देखो भाई ये ट्रेन से सवारी उतरी और ये रोड है और जस्ट उसके बगल में वो मेट्रो है। यानी कि सिंपल तरीका, सवारी उतरते के साथ ही रोड से बस वगैरह पकड़ लेगी और मेट्रो में जा सकती है, क्योंकि यहाँ से बेंगलोर का मजिस्ट्रेट पास में और सवारी जो है मजिस्ट्रेट से इधर से उधर जाना शुरू कर देती है। बाकी देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा है बेंगलोर का, सीधे एकदम फर्स्ट क्लास, एक तरफ ट्रेन खड़ी है। बढ़िया बढ़िया भाई, बिल्कुल मिलेंगे फिर हैं। और सवारी देखो कितने बंदे उतरे हैं, कितने कितनी सवारी उतर रही है भाई, पूरा एकदम मेला सा लगा पड़ा है लोगों का। लेडीज तक अब तो खाली हो गए, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाएंगे, कहाँ जाओगी तुम, कहाँ पे जाओगी, कहाँ पे जाओगी? SMBT जाएंगे और पूरे इस हालात से टॉयलेट में जाओगे, हैं सीट नहीं है इसलिए टॉयलेट में जाएंगे भाई, बहुत बुरा हाल है। देख लो एक बार सिग्नल हो गया, उसके बाद भी इतनी सवारी चढ़ रही है। पकड़ो 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 वो भाई क्या हो रहा है ये भाई, क्या क्या हो रहा है, चलती ट्रेन से कूद कूद के भाग रहे हैं। लाल निकल गए अपने लास्ट स्टॉप से के आर पुरम से, और देखो सारे के सारे बंदे यही उतर गए, इतनी देर से भीड़ भी खत्म नहीं हो रही। और अभी भी ट्रेन के अंदर हालात देखो भाई कितने हैं, अभी भी ट्रेन में भीड़ भाड़ है पर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से थी। देखो भाई अब ये हालत है ट्रेन के।
तो फिलहाल 3542 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम आ गए SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर हमारी ट्रेन पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। देखो भाई पूरी अंदर से और बाहर से भाई बहुत बुरा हाल हो गया है, जितनी भीड़ थी अंदर की अब सारी अपने अपने घर, अपने अपने ऑफिस यानी काम जहाँ पर करते हैं फैक्ट्री वगैरह में जा रहे हैं। तो भाई एक बार कैसा लगा आपको ये सफ़र एक बार ज़रूर बताना। 3542 किलोमीटर जर्नी अगर आप स्लीपर में करते हो तो कुछ हालत ऐसी हो सकती है, सूंघने पर ऐसा महक आ रहा है जैसे दही सड़ जाता है ना शरीर में, ऐसे ऐसी महक आ रही है रियल में। इस सफ़र में हमने भाई लड़ाई झगड़े वगैरह सब कुछ देखा और पता नहीं क्या क्या हमने सॉर्ट आउट करे, कितनों की लोगों की लड़ाई बाय बाय, कितने लोगों की लड़ाई हमने सुलझाई। तो मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे साथ घर बैठे एक प्यार भरा सफ़र तय करते रहो। भाई अब यकीन नहीं मानोगे, चार दिन से ना कंटिन्यू इस ट्रेन के अंदर भाई यादें बन जाती हैं जैसे भाई करो। तो चार दिन से कंटिन्यू ये जो ट्रेन है ना ये घर लगता है भाई, जो लोग होते हैं उनसे दिल लग जाता है कि भाई आसपास के लोगों से दिल लग जाता है क्योंकि एक दूसरे से लोग बातचीत करते रहते हैं और दिल लगा। इन लोगों से हमारी लड़ाई भी हुई थी रात को इन मैडम से। भाई मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे साथ बाय बाय, मेरे साथ घर बैठे एक प्यार भरा सफ़र तय करते रहो। अगर बाय अगर आपके पास कोई ट्रेन जर्नी है आप उसमें सफ़र करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं सफ़र करूँगा आपको घर बैठे उसमें जर्नी कराऊँगा, ठीक है। टाटा बाय बाय। और हाँ, स्वच्छ रेल स्वच्छ अभियान में सभी का साथ दीजिए, जितना हो सकता है ट्रेन में कचरा कम कीजिए, जैसे इधर कितना कचरा फैला पड़ा है फिर भी डस्टबिन होने के बाद भी। तो भाई इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, मेरी आपसे अनुरोध है। और हाँ, वीडियो में कुछ गलती हो गई हो, किसी को मैंने गलत बोल दिया हो तो उन लोगों को भाई सॉरी बोलता हूँ, इस भाई की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो ठीक है, टाटा एंड बाय, मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में।